नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एमपी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। किसानों के लिए सरकार चाहे जितना भी कार्य कर ले, लेकिन उसका असर धरातल पर कितना दिखता है, अगर यह देखना है तो सिद्धार्थ नगर जिले में और देखें किसानों के लिए गेहूं खरीद की स्थिति है। सिद्धार्थ नगर जिले में किसान अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर लगा रहे, लेकिन क्रय केंद्र या तो बंद मिल रहे या फिर उन पर खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी उनके फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। इस मामले में दो किसानों ने बताया कि वह गेहूं की फसल बेचने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर लगा रहे, लेकिन क्रय केंद्र या तो बंद मिल रहे या फिर उन्हें किसी और दिन आने को बोला जा रहा है। इस प्रकार महीना बीतने वाला है, लेकिन किसान अपनी फसल को बेच नहीं पाया है। वहीं विभागीय केंद्र प्रभारी का कहना है कि उन्हें 14,000 क्विंटल लक्ष्य मिला, लेकिन 722 क्विंटल ही खरीद हो पाई है। इतने कम खरीद को लेकर केंद्र प्रभारी ने बाजार भाव तेज होने का हवाला देते हुए कहा कि जो किसान हमारे यहाँ गेहूं ला रहे हैं उनकी खरीद हो रही है और हम भी प्रयास कर रहे हैं वही लक्ष्य पूरा करने को लेकर। केंद्र प्रभारी ने कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं। वही मामले में जिले के जिला अधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि जिले में कुल 133 सरकारी क्रय केंद्र है। मार्केटिंग डिवीजन के 18 और पीसीएफ डिवीजन के 114, एफसीआई के 1 और इन सभी पर अभी तक कुल जो खरीद हुई है वह है 33,000 क्विंटल, जो कि लक्ष्य से काफी कम है, लेकिन इस बार बाजारों में कीमत ज्यादा होने से थोड़े कम आवक हो रहे हैं, तो हम लोग किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें समझाया जा सके कि जो सरकारी क्रय केंद्र विश्वसनीय है वहीं पर अपना बिक्री करे तो अच्छा रहेगा। वहीं बिचौलियों के सवाल पर डीएम ने कहा कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं है, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बनी है कि बाजारों में कीमत ज्यादा है, जो हम लोग यहां 20-15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं, बाजारों में भी यही भाव चल रहा है या इससे ज्यादा मिल रहा है, तो यहां किसानों को अच्छा मौका मिल रहा है, इस कारण वहाँ खरीद कम हो रही है। यह पूरे प्रदेश स्तर से यही स्थिति दिख रही है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है किसानों से संपर्क के अधिक से अधिक खरीद की स्थिति बनाएंगे और बिचौलियों की स्थिति नहीं बनने देंगे। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव यादव, ताल बगहिया। तो आप गेहूं बेचने आए थे? हाँ, गेहूं बेचने आए थे। क्या हुआ? बेचे तो कहाँ, वेतन बांट रहे हैं। क्या कहा था? अनाज लिया, ध्यान लिया, पर लिया, इसका नंबर मत देना। कितना जो 50 क्विंटल। तो आखिर ऐसे में आप क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे? अरे भाई, कहाँ ले जाओगे, बोले हैं तो यही तबला, और कहाँ ले जाओ? क्या दिन नहीं गया? अरे हमारे तो माना पहली तारीख का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, पहले से अभी तक आपके गेहूँ ना खरीद? नहीं खरीद। कहा कहा था? अरे कहा कहा था, कहने बुलाओ बुलाओ बुलाओ, रोज बुलाओ थे। आज 25 दिन हुई गई। हाँ, 25 दिन हुई, 25 तारीख को पहली तारीख के कागज लाग जमा कर सत्यापन कराए, अभी तक गेहूँ ना खरीद? नहीं खरीद। तो कहाँ गेहूँ ले जाओ बेचे? कहाँ ले जाओ, घर वहाँ अभी कहूँ ना ले गई, बाहर नहीं बेचेंगे? बाहर कहाँ बेच पाए, बाहर हम जिंदगी में कभी, हमारे ही बिकल हर साल। चलो, क्या समस्या आ रही है आपको गेहूँ? हमारे यहाँ क्रय केंद्र जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जब से गेहूँ की कटाई हुई है तब से जाके हम वहाँ कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी करवा दिए हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरा गेहूँ खरीद लीजिए, तब से कह रहे हैं आज खरीदेंगे कल खरीदेंगे, खरीदारी नहीं हो पा रही है। कितना गेहूँ आप? 50-60 क्विंटल होगा। रोजाना दौड़ रहा है फिर भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में आप उच्च अधिकारियों के पास गए तो क्या कहते? वहाँ भी मतलब वो तो कहे, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, करे तो क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अब सोच रहे हैं कि मतलब जो प्राइवेट क्रय केंद्र है वहीं जाके सप्लाई करवाने। भाई कब तक हम भटकेंगे? इंसान अनुकार, मेरा नाम चतुर्गुण जायसवाल है, यहाँ का केंद्र प्रभारी हूँ। कितनी आपको लक्ष्य मिली अब तक? लक्ष्य अभी तक 14,000 क्विंटल हमारा है, खरीदा 23 तक आपका 722 क्विंटल खरीद हुआ। 23 के बाद अभी खरीदारी नहीं हुई? 23 के बाद कल संडे था, 24 तारीख आज खरीदारी आज आया है किसान का। तो इतना लंबा लक्ष्य है अभी तक आप इतनी कम खरीदा, ये काहे आखिर बिचौलिए पे आप किसान बेच रहा है, तो क्या कहेंगे? किसान बिचौलिए खाद कहाँ बेच रहा है? होती तो यहाँ 5,000 क्विंटल 10,000 क्विंटल खरीदारी हो जाती है, तो फिर काहे आखिर? चूंकि बाजार भाव तेज है, जो बाकी हमारे यहाँ जो किसान आ रहा है उसका मैं तौल करा रहा हूँ, अपने स्तर से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग आए और केंद्र पर गेहूँ बेचे, लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। अब देखिए कोशिश तो होगा कि लक्ष्य पूरा हो जाए। सर, जिले में
जिले में कितने गेहूं क्रय केंद्र संचालित हैं और कितने मैट्रिक टन गेहूं खरीद हुआ है? जनपद में कुल 133 सरकारी क्रय केंद्र है, जो मार्केटिंग डिवीजन के 18, पीसीएफ के 114 और एफसीआई के 1 है। और इन सभी को मिलाकर अभी तक जो खरीद हुई है वो खरीद हुई है 33,000 क्विंटल। हालांकि लक्ष्य काफी ज्यादा है, लेकिन इस बार बाजारों में कीमत ज्यादा होने से थोड़े कम आवक हो रहे हैं, तो हम लोग किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें समझाया जा सके कि जो सरकारी क्रय केंद्र है या सरकार द्वारा जो खरीद की जा रही है वो विश्वसनीय है और यहीं पर अपने बिक्री करें तो अच्छा रहे। नहीं नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि इस बार वैश्विक परिस्थितियाँ इस तरह की बनी हुई है कि बाजारों में कीमत ज्यादा है, जो हम लोग 215 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ दे रहे हैं और मंडियों में या बाजारों पे कीमत भी इसके आसपास ही है, इससे कुछ कहीं ज्यादा भी है, तो इस कारण से लोग किसान लोग को वहाँ अच्छा मौका मिल रहा है, तो इसके कारण से खरीद कम हो रही है और यह पूरे प्रदेश स्तर से इस तरह की स्थिति दिख रही है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि किसानों से संपर्क करके, क्योंकि जो सरकारी क्रय केंद्र है उनके साथ किसानों का एक स्पेशल रिश्ता भी होना चाहिए, तो किसानों से संपर्क करके हम खरीद को ज्यादा बढ़ाएंगे और बिचौलियों वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।